बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जंगीर खान, तुसी वेंदे हो पे खिदर समीत यूट्यूब चैनल। उम्मीद करना सारे दोस्त भरा खैर अफियत नाल होसो। दोस्तों, आज की जड़ी वीडियो है ये दो मौजूओं पर है। एक के है, मेरे एक दोस्त है शुएब भाई पाकिस्तान तो, उन्हें सवाल किया सी कि असी अगर इतना ट्रेला लै लवीए तो काम ठीक है। एक दे थे दूजे थे जेड़ा दो दिन पहले मैं वीडियो अपलोड कीतियां सुन, ते एक दोस्त मेरे सवाल किया पाकिस्तान तो, भाई एक्सल तो सने दोवे खराब हो गए, एक्सल की में खराब हो जाते। पहली गल शुएब भाई अली, उसने जवाब मैं देना। जिन्हें दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी वाले बटन की आल तक कर दो, क्योंकि असानी हर आने वाली वीडियो तो तक पहुंच जाए। शिव भाई गल है, देखो ये दुनिया का निजाम है, तो अल्लाह ताला ने चलाना है। असी मुसलमान है, असान ईमान है, उस पैदा किया उस रोजी देनी है। हाँ, एक लादी गल है, बिजनेस अप डाउन होना रहना। एक किसा जाए तुसा दुनिया चले जाओ, बिजनेस जोड़ा वो अप डाउन लगा आया, घाटे वादे नाल आए। सब तो पहली गल है कि तुसी खुद इतने आओ, विजिट करो, महीना दो महीने विजिट करके तुसी वेखो, अगर काम तुसी पसंद आवा है, माहौल अच्छा लगे तो तुसी पैसे लाओ, गड्डी ले लो। जिस टाइम तुसा गड्डी ले लेनी, आलरेडी तुसी वीजा मिल जाना, तुसी अपना वीजा लवाना उहदे ते, या तुसी ड्राइवर रखना, वो बाद नहीं गल है, जो तुसी अच्छा लगा वो कर लो। तो हुण असी इत्थे बह के, तुसी पाकिस्तान हो असी इत्थे हाँ, इहीं तां कोई ना दस सकदे। काम तो अलहमदुल्ला ठीक, असी खुद करने, मैं 14 साल हो गए ने खुद में ड्राइवरी करना, कंपनी 3XO चलाना। तो बाकी हालातों ते जाओ तो मैं 14 साल पहले जिस टाइम ओमान च आया सा, सब तो पहले मैं सलाला आया एक कंपनी च, उत्थे एक बंदा मैंने मिलया, तो उहदे मुँह च इह गल निकली है कि तुसी यार किधर आ गए, इत्थे हालात बड़े खराब है, समझ गए। हालातों तो जाओ तो बंदे इंज ही गल करते। तो उस तो बाद उस बंदे अपने दो पुत्र बुलाए थे, एक खुद हूँ चला गया पाकिस्तान, उसका पुत्र एक इतने ही है, तो एक पुत्र भी चला गया। तो बाकी वेलकम, तुसी आओ, असी हाजिर हाँ, साढ़े को जो सपोर्ट होगी असं इंशाल्लाह थोड़े को करा। दूजी गल रह गई एक्सलों वाली, भाई ने सवाल किया एक्सल क्यों खराब हो गए। अर्ज यह है कि मतलब जो पाकिस्तान का सिस्टम है, उत्थे नहीं ट्रांसपोर्ट ना कोई तरीकाकार हो रहा, ओमान की ट्रांसपोर्ट का तरीकाकार हो रहा। इत्थे गड्डियां डेली 100 किलोमीटर 150-150 किलोमीटर कंपनियों की गड्डियां तक कच्चे तक जांदियां, और 70-75-80 टन 85 टन भी वजन लोग पा के जाते हैं, और स्पीड जी 70-80 तो घट कोई नहीं आती। ठीक है, पाकिस्तान भी वजन पाते, मैं खुद ड्राइवरी करता रहा पाकिस्तान, मगर गलियों में खुद 5 सैकड़े क्रैश लोड करने स लाहौर बेचते स, तो रात को मरगले तो लोड करके निकले स, तो दूए दिन शाम को असी काला शक आकू जा पहुँचते स, तो रात को फिर दूसरे दिन रात को गड्डी लाहौर विकती सी रावी रोड पर। उत्थे ना तरीकाकार होर है, पाकिस्तान अगर वजन मालक पाते तो स्पीड भी 40-50 की होंगी है, इतना भाई मालक वजन भी पाते तो स्पीड भी मरवाते, अगले ट्रिप मंगते 3XL दे। बाकी गल एक्सलों वाली रह गई, एक्सल वजन होंदा डिंगे हो जाते, सट्टा पैंदियां कच्चियां च, पहली गल। दूजी गल, मेरे एक्सलों दी साइडां विच खराब हो गई सुन, क्योंकि विच स्प्रिंग टुट गए शूज़ वाले, स्प्रिंग टुटन की वजह तो विच रूले जड़े आते, रूले निकल गए, रूले निकलन नाल सारा सिस्टम खराब हो गया, वो विच फसदे रहे, फसण की वजह तो शूज़ हर चीज़ खराब हो गई है। जिहड़े एक्सल दे नाल पिन्ना लगी होनी जिहदे विच शूज़ पैंदे, वह पिन्ना भी अता के डेंगियां हो गई, जिहदे वजह तो असीं मजबूरी हो एक्सल एक हुण कढ़िया, एक दूजा एक्सल साडी कंपनी की वर्कशॉप है मस्कत भी और सलाला भी, देखो हुण किस साइड तो एक एक्सल आउंदा। बहरहाल ये एक्सल भी बेकार नहीं होए, वर्कशॉप जाना ये एक्सल भी सीधे हो जाने, फिर अगों कम आ जाने। आज नहीं छोटी जी वीडियो सी, अगर पसंद आवे तो लाइक और शेयर जरूर करें,
एक बार फिर रिक्वेस्ट करना कि चैनल की जरूर सब्सक्राइब करे और घंटी वाले बटन की आल द करे, क्योंकि सुनहार आने वाली वीडियो थोड़े तक आसानी न पहुंचे। मेहरबानी, शुक्रिया।